नमस्कार गोर्खा चैनल को न्यूज बुलेटिन में यहाँ स्वागत छ। आज को प्रमुख खबर, दार्जिलिंग सांसद राजू विष्ट आज तराई भ्रमण में आया थे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा त्रिहाना में कालो झंडा देखाउँदै विरोध प्रदर्शन करे। प्रदर्शनकारीहरूले बताए अनुसार सांसद विष्टले उक्त क्षेत्र में कोरोना महामारी को आपत्कालीन समय में सोधखोज नगरेको, जब आउनु थियो त्यस घडी किन आएनन् र भोटकै समय में आएर ठगबाजी गरी भोट लिन्छ, फेरि पांच वर्ष बाद भोटकै निम्ति त आउनेछ। यसै कारण नै विरोध गर्दै राजू विष्टलाई गोभ्याग भनेर हामीले कालो झण्डा देखाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हौं भने यी प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। Go back!
काम गरेर भोट लिएर राजु मिश्रा गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक राजु मिश्रा गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक अन्धेरमा राजु मिश्रा जनतालाई नराख गो ब्याक अन्धेरमा जनतालाई राजु मिश्रा नराख नराख राजु मिश्रा गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक अनि देखे आज 15 16 तारिख हो गया। आज इस महीना में जो राजू बिष्ट आने के बात हुआ जो सुने हम लोग इसलिए हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर उसका ये विरोध कर रहे हैं कि बीते दिन में जो कोविड 19 के समय में जो महामारी हुआ हम लोग अपना में कैंपिंग किया गांव क्षेत्रों को हम लोग बचाए उस समय ने गांव के बस्ती के जो भी हमारे श्रमिक थे जो भी हमारा भाई बहन दीदी माँ जो भी थी हमारे उन सभी को हम लोग किस तरह से गाइड किए उनके घर में कैसे राशन पहुंचाए कलेक्शन करके हो या कहीं के कहीं का भी महत्व से हम लोग उसको दिए लेकिन उस समय में राजू बिष्ट नहीं आया एक हम लोग का एक सवाल है। और दूसरी बात है जब हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो क्षेत्र से जो उसने एक सीट पाया एमपी का सीट पाया उस समय से लेके आज तक उसने आया नहीं और उसने एक झूठी भी तसली दी आदमी को कि हम गोरखालैंड दे देंगे। गोरखालैंड हो गया एक दूसरी मुद्दा लेकिन ये जो तराई में जो हम लोग बने हैं जो आदिवासी बिहार जो कास्ट के लोग हैं फिर ये तो जात पात भी करें इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आप लोग किस संगठन से खड़े हैं? हम लोग पूरा का पूरा ममता दीदी के संगठन से खड़े हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर स्मूथ बागान चल रहा है चाय बागान चल रहा है बस्ती ठीक है आदमी लोग अपना अपना रोजी रोटी कमा के खा रहे लेकिन दूसरी बात है जब राजू बिष्ट यहाँ आने ही था तो समय पे क्यों ना है जो सिमाई में यहाँ का वर्कर यहीं के माँ का यहीं के बेटे के हाथ से उसने जो मामूल एक तो वोट पा के एक एमबी बना उस समय उसने क्यों नहीं आया और आज जो आ रहा है एक वोट के लिए जो आगामी 2021 का जो इलेक्शन है वो ठगबाजी करके वोट लेंगे फिर 5 साल के अंदर में फिर आ जाएंगे वोट मांगने इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर काला झंडा लेके हम लोग ये आवाज उठाए हैं कि नहीं चाहिए ऐसे हमें राजू बिष्ट जैसे ठगबाजी नेता हमें नहीं चाहिए और इस एरिया में जो शांतिपूर्वक जो बने रहे हम इसी को कायम रखने के लिए उसके लिए हम लोग आवाज उठाए कि राजू बिष्ट गो बैक हमें नहीं चाहिए। आप देखिए ना राजू बिष्ट जो बेलगाछी बोले ऑट बोले तिरानी बोले जो चाय बागान में जो हम लोग को जो शासन किया जो शासन जो हम लोग उसको हटा के हम लोग आज स्मूथ जो बगान चल रहे इसमें आदमी बोले बिना बोनस निकल गया आदमी लोग के घर घर में रोजी रोटी अच्छा से पहुंच रहे फिर राजू बिष्ट ने एक अचानक से ये रणनीति तैयार करके राजनीति का जो काला कानून लागू करने के लिए हम लोग से विरोध है। थोड़ा देर के लिए थोड़ा शांत रहिए थोड़ा सा शांत रहिए। हम बहुत कुछ बैठा का और जब मारापुर मांझा का सब कोई जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है या कार्यकर्ता है ये सभी का एक तो निवेदन था कि राजू बिष्ट जी हमारे चुनाव के समय भी इधर में नहीं आए तो बहुत दिनों से हम लोगों को आशा थी तो आज हमारे सांसद श्री राजू बिष्ट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं वो आप सबों को दो चार शब्द बोलेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में हमारे आएंगे मैं परिचय करा दूं भारत माता की सो हमारे बीच आनंद आए हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी दी है और मंगलू जी हैं और शिखा दीदी है अपना जुगल दा है हेमंत जी है अपने दिलीप दा है और सुजल दा है। तो दादा ने एक बात बोली अभी आप सबने सुना होगा चुनाव के समय भी नहीं आ पाया था तो आपकी इच्छा थी पता है क्यों नहीं आया? सुनिए भाई शांत रहो ना थोड़ा देर आराम से। आपको पता है मैं क्यों नहीं आ पाया था चुनाव में? क्योंकि आपको मैं अपना मानता हूँ। मैं नहीं भी आता मुझे पूरा विश्वास था कि आप वोट जो है हमें ही दोगे। इसीलिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ गया मुझे बोला ये तो हमारे अपने ही लोग हैं तो भी चलेगा तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था इसीलिए मुझे आने में थोड़ा देर हुआ और अभी भी 1.5 साल लग गया क्योंकि 8 महीना तो कोरोना चलता रहा। फिर पिछले 1.5 साल में लगातार हम लोग जोंदा का एक बार जरा सब लोग वेलकम जोंदा खड़े हो जाइए जोन बारला जी और देखिए अब ऐसा हुआ है
एक ही बार में एक नहीं दो दो सांसद आपके घर पे आए हैं। बहुत खुशी सर, हम लोग बहुत खुशी है ना, और आते रहेंगे जी सर, वही आशा रखते हैं। ठीक है जी, और आप चिंता मत करो, जितनी समस्या है ना सब सॉल्व करेंगे हम लोग। नेता उनमें से नहीं है कि सिर्फ सुन के चले जाएंगे। ठीक है, आपकी जो भी इश्यूज है हम सब रिजोल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, चाय बगान का बहुत बड़ा ये जो मिनिमम वेज का था, हम में से बहुत सारे लोग चाय बगान से जुड़े हुए हैं, तो वो जो मिनिमम वेज एक्ट का कानून पास हो गया, अब सब पे भी नहीं, जति भी नहीं कर्मचारी हेरू, हमेर का श्रमिक वर्ग हेरू चाय बगान में काम करनु, अब 170 रुपया हुई ना, अब मिनिमम 300 रुपया हमारे लिए चाय बगान को रोजाना हाजिरा पाने छू, वो एक बड़ा काम हुआ है। और आने वाले समय में पर्जा पट्टा के ऊपर में भी काम होगा, सबको पट्टा मिलेगा, आप सब लोग जो है बैंक से लोन ले पाओगे, आपके पास पटके कागजात जो है आपके घर के रहेंगे। और ये पीएम आवास योजना में ये जो चमचे अभी जो है काला झंडा निकाल के ड्रामा करते हैं ना, ये सब दीदी के चमचे, भाड़े के टट्टू, इन सबको जो है ये चमचागिरी इसलिए करते हैं क्योंकि सारा पीएम आवास योजना का पैसा इन चमचों को जाता है, और ये हिले हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनको पता है। अभी वो दीदी कह रही थी, ठीक बोल रही थी, यहीं की एक दीदी थी, इनका खस्सी कैसे कटेगा, इनका मुर्गा कैसे होगा, इसलिए ये हिला हुआ है। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति होना चाहिए समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए, और जो गरीब है जो दुखी है उसकी चिंता करने के लिए, उसके दुखी में खुद भी हिस्सा बनो, इसलिए राजनीति होता है। अभी राजनीति मतलब क्या है, बड़े बड़े गाड़ी को घूमो, जेब में पैसा रखो, जनता का पैसा लूट के खाओ। सो हमारे यहाँ पे अभी ज्यादा लूटने वाले नेता हो गए, इस वजह से आज जनता को तकलीफ है। नेता तो मजे से घूम रहा है ठाट बाट से, लेकिन जनता गरीब की गरीब है, दुखी की दुखी है। और जितना पैसा मोदी जी भेज रहे हैं पीएम आवास योजना का, पीएम प्रधानमंत्री ये ग्राम सड़क योजना का, उज्ज्वला का, चावल का, ये सब लोग खा जाते। और मुझे तो हैरानी हुई, यहाँ पे राशन कार्ड में सिर्फ आधा चावल मिलता है बोले और वो बोलते हैं दीदी का चावल नहीं, ये गलत है, 34 रुपए का चावल, 34 रुपए किलो का चावल आपको मिलता है, उसमें 32 रुपए मोदी जी देते हैं, सिर्फ 2 रुपए जो है पश्चिम बंगाल की सरकार देती है सिर्फ टोकन। और उस चावल में भी मैंने सुना वो आधा ही मिलता है, आधा खुद ही खा जाते हैं। सो ये जितने भी करप्टेड लोग है, मैं इनका डंडा मार मार के जेल में ठूसूंगा। और देखो आप अभी डरना मत, चिंता मत करना, ये सब ड्रामा तो इसलिए चल रहा है, ड्रामा तो इसलिए चल रहा है, सिर्फ जो है अब इनके पास 6 महीना, और अभी टीएमसी सरकार जो है वो वेंटिलेटर पे है, अब इसका समय जो है एकदम लास्ट स्टेज पे है, 6 महीना इनका समय है, फिर इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा, इनका पूरा पश्चिम बंगाल से अंत होगा, हम इनको उखाड़ के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। 35 साल तक सीपीएम ने राज किया, 10 साल तक ममता ने राज किया, लेकिन बंगाल पीछे के पीछे रह गया, हिंदुस्तान के गया, महाराष्ट्र आगे बढ़ गया, राजस्थान आगे, मध्य प्रदेश आगे, छत्तीसगढ़ बढ़ गया, झारखंड भी बढ़ रहा है, ये सब प्रांत तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल जो हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन था वो आज सबसे पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि 35 साल और 10 साल 45 साल तक हमारा शोषण हुआ है, हमारे ऊपर लोगों ने अन्याय अत्याचार किया है, ये नेताओं ने 45 साल तक, अंग्रेज ने लूटा 100 साल तक, और ये जो हमारे गोरे अंग्रेज जो नेता है इन्होंने 45 साल तक बंगाल में हमको लूटने का काम किया है, अब इसका अंत तय है। आपने देखा 2019 के चुनाव में भी मोदी जी को बहुत समर्थन मिला, अब 21 में सरकार बनेगी, मिनिमम वेज हो गया, पर्जा पट्टा हो गया, ये आवास, क्योंकि देखिए मोदी जी ने डे वन से गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, आपको पता है ना, क्योंकि पीएम आवास योजना ये किसी अनिल अंबानी या धीरूभाई अंबानी के लिए नहीं बनाया था, ये गांव गरीब के लिए था, ग्रामीण सड़क योजना गांव वालों के लिए था,
उज्ज्वला योजना कोई शहर में दिल्ली बॉम्बे रहने वाले के लिए क्या जरूरत है, उसके पास तो घर में गैस है ही। ये गांव गरीब के लिए था। चावल जो फ्री में अभी नवंबर तक जो चावल दिया जा रहा है ये गरीब के लिए है। जो दाल दिया जा रहा है वो गरीब के लिए है। जो राशन दिया जाता है वो गरीब के लिए है। जो मनरेगा योजना है वो गरीब के लिए है। तो सब कुछ तो मोदी जी ने गरीब के लिए किया, अभी किसान के लिए भी किया। किसान में कृषि बिल पास हुआ। अब ये बिल क्या कहता है, अब आज तक पता है आपको एपीएमसी एक कानून बना था हिंदुस्तान में, वो कानून ये कहता है कि जो उपजाऊ किसान करेगा उसको मंडी में बेचना पड़ेगा, मंडी में जाने का भाड़ा, मंडी का टैक्स, और मंडी में जाके किसान सस्ता बेचता है, जो बीज का जो कमीशन लेने वाला होता है वो पैसा ज्यादा मार लेता है। अब किसान हिंदुस्तान में कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है, अब किसान भी स्वतंत्र हो गया। दूसरा उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी आप जिसको माल खरीदना है वो आपको पहले ही पैसा देगा, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, खेती करो, उसको माल दे दो, ये भी उसमें प्रावधान है। तो ये सब काम जो है गांव गरीब किसान के लिए मोदी जी ने किया है, इसलिए यहाँ टीएमसी सरकार हिल गई है, उसका माथा घूम गया है, उसका माथा घूम गया है। क्योंकि अब जो मोदी जी के ऊपर में लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अब 2021 बहुत ही मतलब निकट है, मुझे लगता है वह बहुत भारी मतों से जो है भाजपा की सरकार बनेगी और हम सब के भी अच्छे दिन आएंगे। ऐसा हिंदुस्तान में अच्छा दिन चल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल में गायब है। ये देखो ये क्या करते हैं, आपको पता है अलकायदा जो टेररिस्ट है उसके 6 लोग आज पश्चिम बंगाल में पकड़े गए अभी कुछ दिन पहले, और ये जमायतु मुजाहिदीन जो ये बांग्लादेश का जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके लोग यहाँ पकड़े जाते हैं, सिमी के लोग पकड़े जाते हैं, आईएसआई के मोडुलिया पकड़े जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में टेररिस्ट और जो आतंकवादी है उनके लिए सेफ हेवन बना रखा है टीएमसी सरकार ने, और आज उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब जो है स्थिति पश्चिम बंगाल के लिए बहुत खतरनाक है। हम जो है पश्चिम बंगाल को हम सबको बचाना है, ठीक है जी, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। एनीवे आज हम पहली बार मिले हैं, आपकी जो भी समस्या है, लक्ष्मी दीदी है और आनंदा है, आप आओ, आकर के इनके साथ बैठक करो। हाँ दादा, हाँ तो आपके मंडल में है ना, तो आप इनके साथ बैठक करें, पूरा चार्ट बनाओ, जो छोटी छोटी समस्या है जिनका समाधान आराम से हो सकता है वो हम ही कर देंगे, कुछ सरकार से करानी होगी वहाँ पे भी हम बात कर लेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम कराओ। क्योंकि देखिए नेता तब तक नेता है जब तक जनता चाहेगी कि हम नेता रहे, अगर जनता के काम नहीं होंगे तो फिर नेतागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए ये जरूरी है कि जनता के काम होते रहे, आपकी जिम्मेदारी, आप इनके साथ बैठ करके जो भी समस्या उन सब का सुनिए और उसका जो है समाधान करिए। जय हिंद, जय गोरखा, जय जोहार। अभी अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ के कुछ महिलाएं हैं थोड़ा।